नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखियों, स्वस्थों, मस्तों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव में मजबूत मंगल विराजमान होता है, उस भाव से संबंधित जो भी मामले होंगे, उन मामलों में जो आपके दुश्मन होंगे वो आपके मित्र बनकर, आपके नजदीकी बनकर आपका नुकसान करेंगे। पहले भाई ये समझ लो कि मंगल मजबूत कैसे होता है। देखिए, मंगल मेष राशि, इस सब राशि है मंगल की, आठवीं राशि सब राशि है मंगल की, दसवीं राशि उच्च राशि है, नवम राशि बृहस्पति मित्र राशि है, बारहवीं राशि ये भी मित्र राशि है, इसके अलावा सूर्य के घर में पांचवी राशि ये भी मित्र राशि है। इन राशियों में मंगल मजबूत होता है, लेकिन अति मजबूत कब होता है? जब मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, तो भाई मंगल अति मजबूत हो जाता है। तो इसके अलावा 3, 6, 10 और 11 भावों में मंगल मित्र राशियों का पड़ा हो, सब राशि का पड़ा हो, उच्च राशि का पड़ा हो, तो वहां बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो ये तो चर्चा होगी कि मंगल जातक की जन्म कुंडली में कब मजबूत होता है। देखिए, जो मंगल है, लाल रंग का ग्रह है, खून का कारक है, साहस का कारक है। ज्योतिष में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। जिस भाव में मजबूत मंगल होता है, उस भाव से संबंधित मामलों में जातक में बहुत जोश होता है और पूरा आत्मविश्वास होता है। जोश और आत्मविश्वास दोनों मिल जाए तो उस भाव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जातक उनमें तरक्की हासिल करता है। इसके अलावा जोश और आत्मविश्वास का मेल हो गया तो भाई कोई भी जातक के सामने खुलकर आने का साहस नहीं करता। मित्र बनकर जातक को पहले अपना बनाएंगे, फिर जातक का नुकसान करेंगे, यानी जातक के साथ विश्वासघात होगा। देखिए, सेनापति या मंगल तो दुश्मन की भाषा ही समझता है। जब कोई हमला करता है तो वो मीठी मीठी बातें करकर हमला नहीं करता। इसलिए जो व्यक्ति मीठी मीठी बातें करता है, जातक उसको अपना मित्र मान लेता है। ये सबसे बड़ी गलती करता है, जिसके कारण उसको काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है कई बार जीवन में। कई बार तो जातक को मालूम ही नहीं पड़ता कि ये मेरा नुकसान किसने किया है। जातक सोचता ही रहता है कि ये क्या हो गया, और काफी समय के बाद बात समझ आती है कि ये तो मेरे उस मित्र का काम था, या किसी से इस बात का इल्म हो जाता है कि भाई आपके उस मित्र ने, आपके उस नजदीकी रिश्तेदार ने, आपके उस पारिवारिक सदस्य ने आपका नुकसान किया था, या किसी के थ्रू आपका नुकसान करवाया था। आइए, प्रत्येक भाव में मजबूत मंगल विराजमान हो,
तो जातक पर कैसे प्रभाव डालता है, इस पर चर्चा करते हैं। लग्न से शुरू कर लेते हैं। पहले भाव में मजबूत मंगल हो तो भाई जातक बहुत साथी होता है। पहले भाव में मंगल हो, क्विक डिसीजन लेने वाला होता है और बड़े से बड़ा जो अपने आप को गुंडा कहता है ना, वो भी जातक के सामने आने से डरता है। जितना जातक का साहस होता है, समाज में उसकी इमेज ऐसी होती है कि जितना साहस होता है उससे कई गुना ज्यादा साहस लोग समझते हैं कि जातक इतना अधिक साहसी है, इतना अधिक गुस्से वाला है, पता नहीं कब क्या कर दे। तो जातक के जो करीबी मित्र होंगे वह जातक की समाज में हैसियत कम करने की कोशिश करेंगे। और जो जातक की उम्र का प्रथम भाव होगा, यानी पहले 14 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु तक, तो इस अवधि तक परिवार के सदस्यों का सहयोग कम मिलेगा। यानी लग्न में मंगल हो तो जातक खुद के बल पर, खुद के परिश्रम पर अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है। साहसी तो जातक होगा ही, इसके लिए जातक के सामने कोई नहीं बोलेगा, मगर पीठ पीछे कौनसी प्रेसिस षड्यंत्र रचे जाएंगे। कई बार जो मित्र शत्रु के रूप में होंगे तो वो किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को जातक की सीक्रेट जानकारी देकर, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जातक का शारीरिक नुकसान करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सावधान होना पड़ेगा आपको। कहीं अकेले जा रहे हो तो पूर्ण सेफ्टी के साथ जाइए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जीवन में जब लड़ाई झगड़े वाली कोई परिस्थिति बन जाए तो भाई तब जाया नहीं सोचना आपने कि मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तो इनसे झगड़ा करूंगा, इन्होंने मुझे ललकारा है, क्योंकि मंगल सेनापति ग्रह, ऐसे विचार दिमाग में आएंगे। लेकिन जब भी आप अकेले हो और झगड़े वाली परिस्थिति बन जाए तो फौरन वहां से भाग जाए, रफू चक्कर हो जाए, इसमें ही आपकी भलाई है। आगे चलते हैं। मंगल दूसरे भाव में हो तो भाई मंगल दूसरे भाव में हो, कुटुंब के सदस्य, जातक के खानदान के सदस्य, इनके बीच कोई ना कोई इस तरह का मेंबर होगा जो जातक के खिलाफ दूसरे सदस्यों को भड़काएगा और जातक की उन्नति में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा और कुछ हद तक कामयाब भी हो जाएगा। जातक के कामों में थोड़े विघ्न डालने में वो कामयाब हो जाएगा। एक बात कहना चाहता हूं मैं कि जितना जातक के पास संचित धन है, कैश है, बैंक बैलेंस है, जितना संचित धन है उसका केवल 60% ही आपने इन्वेस्ट करना है। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े या कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर मार्केट हो गए या और कोई बिजनेस जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, 60% से अधिक धन आपने इन्वेस्ट नहीं करना। 40% धन आपने भाई बचाकर रखना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जीवन में कोई धन उधार मांग ले, खास तौर पर परिवार का सदस्य, कुटुंब का सदस्य, कोई रिश्तेदारी में हो,
कोई बहाना इस तरह का लगा दे कि मैं तो जी बहुत मजबूर हूँ, धन की बहुत आवश्यकता है, तो भाई उसे उतना ही धन देना है जितना अगर वो वापिस ना करे तो आपको दुख ना हो, क्योंकि अगर आप उससे धन वापिस मांगोगे फिर आप में कंफ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, इसलिए पहले ही उतना धन ही दीजिए ये सोचकर कि ये तो मैंने इसको, मेरा रिश्तेदार है, इसकी हेल्प कर दी। जिस मित्र पर शक हो उसके घर कोई खाने वाली वस्तु ना खाए, साफ तौर पर इनकार कर दें। कई केस मैंने देखे हैं, दूसरे भाव में मंगल होता है, जातक को कोई केमिकल वाली वस्तु खिला देते हैं जिसमें केमिकल मिला हो, जो स्लो स्लो जातक के शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। ये जो कहते हैं ना कि किसी ने कुछ खिला दिया तो ऐसा हो गया, ये भाई जितनी मेरी नॉलेज है जंतर मंतर कुछ नहीं होता इसमें। जो आपको कहता है कि ये इलायची ले जाओ चाय में मिलाकर पिला देना, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल मिला होता है जो जातक को नुकसान पहुंचाता है। तो जिस मित्र पर शक हो उसके घर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो जिसका आपने बहुत किया हो, अपना सुख त्याग कर उसको दुख से निकाला हो, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर उसकी इज्जत बचाई हो, वो व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा भाई। खास तौर पर अगर वो व्यक्ति आपके रिश्तेदारी में होगा तो आपके हाथ में उसी ही लगेगी, इसलिए उतना ही कीजिए जितना आवश्यक हो अपने खानदान के लोगों का, अपने कुटुंब के लोगों का। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में मंगल हो भाई, बहुत अच्छा राजयोग गिना गया है ज्योतिष में। जातक के पास बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, कई जगह आते भी लिखा गया है कि तीसरे मंगल हो जातक की समाज में हुकूमत चलती है, जो काम कह दिया वो काम हो गया। जातक परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है, राजनीति के क्षेत्र में कामयाब होता है, राजनीति के सभी दाव पेज जानने वाला होता है। जातक का दिमाग क्रिएटिव होता है, यानी साहस भी होता है और बुद्धि भी होती है। जब साहस और बुद्धि का मिलन हो जाए फिर जातक तरक्की ना करे ये तो भाई हो ही नहीं सकता, तो जातक तरक्की करेगा और जातक उस क्षेत्र में अधिक सफलता हासिल करेगा जिस क्षेत्र में बुद्धि की आवश्यकता और साहस की आवश्यकता और क्विक डिसीजन लेने पड़े। जैसे लीडर हो गए, किसी यूनियन के लीडर हो गए, इसके अलावा सेल्स लाइन में जो लोग कार्य करते हैं, मार्केटिंग में जो लोग कार्य करते हैं, सीआईडी विभाग में जो लोग कार्य करते हैं, जासूसी के गुण होंगे जातक में कि दूसरे की आंख देखकर ही पढ़ लेगा कि इसके अंदर क्या बोल रहा है। इसके अलावा जो कंसल्टेंसी के कार्य होते हैं किसी भी क्षेत्र में होंगे, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में होंगे, फाइनेंस पैसों के क्षेत्र में होंगे, वहां भी जातक बहुत कामयाब होता है। एडवाइजर बहुत अच्छा होता है, सलाहकार बहुत अच्छा होता है, जिनके तीसरे मंगलों बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के पास होते हैं, वो उनका राइट हैंड होते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी सलाह से ही कार्य करते हैं। मगर जातक का पराक्रम, जातक का जश,
इसको कम करने की भूमिका उसके जीवन में वह व्यक्ति निभाता है जिसको जातक के सभी राज मालूम होते हैं, उसके सभी सीक्रेट पॉइंट्स मालूम होते हैं। आपका मित्र भी हो सकता है, आपका कोई भाई बहन भी हो सकता है, और अमूमन आपका नुकसान करवाने और जा चोरी करवाने का कार्य करते हैं। इसलिए अपनी जो कीमती सामान है उसको पूर्ण रूप से उसका ध्यान रखें, और अपने घर को अकेला छोड़कर लॉक लगाकर कहीं बाहर ना जाएं। अगर सभी मेंबर्स को कहीं बाहर जाना पड़े तो कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड घर में छोड़कर जाएं। जहां तक हो सके जो आपके मित्र हैं उनके साथ यात्रा करने में परहेज करें। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, ये मेरी बात नोट कर लें, मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि तीसरे भाव में मंगल हो, जो जातक मीडिया के क्षेत्र में है, प्रिंट मीडिया जैसे अखबार वगैरह हो गया, या वीडियो मीडिया जैसे आपका ये टीवी वगैरह में इंटरव्यू करते हैं, इस तरह के क्षेत्र में है, तो भाई पक्षपात नहीं करना। अगर पक्षपात कर कोई इंटरव्यू आपने टेलीकास्ट कर दी तो किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और लॉन्ग रन में वो आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, और नुकसान ना भी हो लेकिन आपकी तरक्की में एक रुकावट का काम जरूर हो जाएगा। चौथे भाव पर चलते हैं। चौथे भाव में मंगल हो तो भाई जिनके भी चौथे भाव में मंगल हो, जीवन में एक सिद्धांत बनाकर चलना है कि जब तक आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब तक उसको टॉप सीक्रेट रखना है। कानों कान किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, वरना जो आपके बहुत नजदीकी हैं, जिनके साथ आप सलाह करोगे ये सोचकर कि ये मुझे अच्छी सलाह देगा, उस व्यक्ति की ही यह कोशिश होगी कि आपकी मनोकामना पूरी होने में कैसे रुकावट डाली जाए। जब पता चलता है कि जिस मित्र रिश्तेदार के लिए मैंने इतना किया उसी ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया, पब्लिक डीलिंग का भी चौथा भाव है, पड़ोसियों का, आसपास के लोगों का जिनकी आपने बहुत मदद की, वही आपके खिलाफ इस तरह का प्रचार करते हैं कि समाज में आपकी इज्जत, मान सम्मान, रेपुटेशन कम हो, तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन ये आपके कर्मों का फल है, प्रारब्ध है, जो कर्म आपने किए हैं वो पूरे हो रहे हैं। बुरा हो रहा है थोड़ा तो ये भी अच्छा है, बुरे कर्म कट रहे हैं, इसलिए इसकी अधिक चिंता नहीं करनी, इसके बारे में भाई अधिक नहीं सोचना। अगर आप अधिक सोचोगे तो इसका असर आपकी नींद पर होगा। ये मेरी बात नोट कर लें, जिनके चौथे भाव में मंगल है, अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि नींद नहीं आती, या दो घंटे के बाद रात को नींद खुल जाती है उसके बाद नहीं आती, या रिपीटेडली बार बार नींद की गोली खानी पड़ती है, तो भाई ये आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके हृदय पर पड़ेगा। तो जिस दिन से ये काम शुरू हो जाए उस दिन से अपने जीवन को,
अधिक सीरियस लेना छोड़ दें। जो होता है होने दीजिए, केयर फ्री हो जाएं। किसी भी मैटर को जीवन में अपना प्रेस्टीज इशू, अपना इज्जत का सवाल ना बनाए। इसके अलावा कोई जमीन जायदाद खरीदनी हो या भाई कोई वाहन खरीदना हो, तो जब तक आपके नाम रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो जाती, तो आपके जो नजदीकी हैं तब तक उनको इस बात का इलम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इसमें भी विघ्न डालने की कोशिश करेंगे। अधिक सलाह करने की आवश्यकता नहीं है। जमीन के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, चौथे भाव में मंगल है, तो जो आपका फैसला होगा सही होगा। खुद के फैसले के अनुसार आपने कोई भी जमीन जायदाद खरीदनी है खरीदिए, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो। इसके अलावा अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी सेवा करते रहें। परिवार के कुछ सदस्य आपकी माता को आपके खिलाफ भड़काने का काम कर सकते हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। ईश्वर देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, जो गलत करेगा उसे भाई गलत फल मिलेगा, जो सही करेगा उसे सही फल मिलेगा। आगे चलते हैं, पंचम भाव में मंगल विराजमान हो, तो भाई जिनके पंचम भाव में मंगल विराजमान होगा, तर्क वितर्क बहसबाजी आर्गुमेंट्स जब हो जाए किसी से, किसी बात पर बहसबाजी हो जाए, तो बिल्कुल अपने मन को शांत कर ले। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, चाहे दूसरा व्यक्ति आपकी शान के खिलाफ चार शब्द बोल दे, लेकिन बहसबाजी में गुस्सा नहीं करना। बहुत ही शांत मन से अपनी बात दूसरों के सामने रखनी है, और जितने शांत मन से अपनी बात दूसरों के सामने रखोगे, उतना ही उसको ऐसे कह लीजिए डीग्रेड होना पड़ेगा, यानी अपनी ही बात पर शर्मिंदा होना पड़ेगा, उसको आपकी बात का जवाब नहीं आएगा। जो आपकी संतान है उसके प्रति अपना फर्ज निभाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, अच्छे संस्कार दें, मगर संतान के कारण अपने जो सुख है उनको कुर्बान नहीं करना कि मैंने बहुत कंजूसी करनी है, अपने संतान के लिए पैसे जोड़ने हैं, ऐसा कार्य नहीं करना। आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, संतान के प्रति जो फर्ज बनता है निभाइए, और संतान से कोई अधिक उम्मीद नहीं रखनी। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना आपकी संतान का व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, और संतान के किसी भी बच्चे पर जो आपके असूल है उसको थोपने की कोशिश ना करें। संतान कई बार गलत जगह चलेगी, गलत रास्ते पर चलेगी, तो एक डिप्लोमेटिक ढंग से कूटनीतिक ढंग से उन्हें समझाएं कि भाई ये बात गलत है, मित्रों के जैसे व्यवहार करें अपनी संतान के साथ। किसी मित्र के साथ होटल वगैरह में बैठकर खाने पीने का कार्य ना करें, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि खाने पीने के चक्कर में पहले ही बहुत उत्साह है, अगर ड्रिंक वगैरह कर लिया तो उत्साह में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, तो जो बातें किसी को बताने वाली नहीं होंगी वो बातें भी आप भाई बता दोगे। प्रेम संबंधों में
आपकी बदनामी का कारण आपका कोई नजदीकी ही होगा जो इतना प्रोपोगंडा कर देगा आपके खिलाफ, चाहे विपरीत लिंग का व्यक्ति आपका भाई हो या आपकी बहन हो, या आप समझते हो, दिल से समझते हो। ऐसे कई केस आए हैं, पंचम भाव में मंगल है, किसी की कोई बहन बन जाते हैं, देखिए सोसाइटी है, कोई किसी को कोई अपना भाई बना लेता है और दिल से एक दूसरे के साथ भाई बहनों वाला व्यवहार होता है उनका, मगर पंचम भाव में मंगल हो तो भाई जो आसपास के लोग होंगे, नजदीकी लोग होंगे, आपकी रेपुटेशन को खराब करने की पूर्ण कोशिश करेंगे कि कालजुगी भाई अजय। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना, विपरीत लिंग से जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है, नहीं तो कई बार झूठे इल्जाम लग सकते हैं आप पर। कई केस आए हैं मेरे पास ऐसे, मेडिकल लाइन में जो लोग हैं जिनके पंचम भाव में मंगल है, डॉक्टर हैं, केमिस्ट हैं, लेबोरेटरीज वगैरह हैं, अच्छी तरक्की करते हैं, अच्छी आमदनी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ गरीबों की मदद भी करते रहे तो आपके अच्छे कर्म भी क्रेडिट हो जाएंगे। बीमारी में हम अगर किसी की मदद करते हैं, किसी बीमार व्यक्ति की मदद करते हैं, तो भाई मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसको हमारे शास्त्रों में सबसे उत्तम बात मानी गई है। तो आप तो मेडिकल लाइन में जो व्यक्ति हैं, आपके लिए तो ये काम बहुत आसान है। तो जो गरीब हो, जरूरतमंद हो, उसकी हेल्प कर दिया कीजिए तो उत्तम रहेगा आपके लिए। अगली बात है, इमोशंस बिल्कुल नहीं रखनी, जो भी काम करना है भावनाओं में बहकर नहीं करना, दिमाग का उपयोग कर कार्य करना है। पंचम भाव में मंगल हो तो जो आपकी भावना होगी आपके साहस से प्रेरित होगी, और साहस से प्रेरित होगी तो वो भावना भाई ठीक नहीं होगी आपके लिए, इसलिए बुद्धि से कार्य करना है। छठे भाव पर आते हैं, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, छठे भाव में मंगल हो तो जी अपने आप में ही राज होगा। और ये भी लिखा गया है कि छठे भाव में मंगल हो, जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, इसी तरह जातक की नीतियां जातक के दुश्मन को उड़ाकर ले जाती हैं। जिनके छठे भाव में मंगल होता है उनकी समाज में एक अलग ही छाप होती है, उनकी हुकूमत चलती है, जिसको जो कार्य कह दिया समझ लो वो कार्य हो गया। चुनाव जीतने का भी ये एक अच्छा योग है। राजनीति में जो बड़ी बड़ी सफलता हासिल करते हैं उनकी कुंडली में भी छठे भाव में मंगल देखा गया है। बहुत ऊंचाइयां देता है मंगल छठे भाव में, आपकी उन्नति, जो आपके आसपास के लोग हैं, खास तौर पर जो लोग जो आपके बहुत निकट हैं, जहां मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जो लोग राजनीति में हैं और जो उनके पीए हैं या सभी पर्सनल कार्य करते हैं, उन पर पूर्ण ध्यान रखना है। मैं शक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि उनकी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना। जो लोग बहुत निकट होंगे उनसे बर्दाश्त नहीं होगी आपकी उन्नति, इतना साहस तो वो जुटा नहीं पाएंगे कि खुलकर आपके सामने आ जाएं और आपसे पंगा ले लें, तो क्या करेंगे, पीठ पीछे षड्यंत्र रचे जाएंगे।
जैसे वो मुझे एक बात याद आ गई, है तो थोड़ी हादसे वाली बात ही है कि किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम था, तो लड़की वालों ने लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ तय कर दी, तो गुस्से में आकर उस लड़के ने क्या किया, जो शादी में हलवाई का कार्य करता था उसकी पिटाई कर दी, जो टेंट लगे थे उनके साथ तोड़फोड़ की, यानी अपना गुस्सा इस तरह निकाल लिया। इसी तरह जब आप ऊंचाइयां हासिल कर लोगे, डायरेक्ट आपके सामने कोई आ नहीं सकेगा, लेकिन जो दिल में उसके एक जहर होगी आपके प्रति, तो इस तरह से आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, सिर्फ मानसिक चिंता आपको होगी। इसके अलावा जात पात के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। जो दूसरी जाति के लोग हैं वो भाई आपके बहुत काम आएंगे। जब भी आपको आवश्यकता होगी, आपके अपने इतनी मदद नहीं करेंगे, जो दूसरी जाति के लोग हैं वो आपकी बहुत मदद करेंगे। मानसिक चिंता कम से कम लेनी है। मैंने कई केस देखे हैं, छठे भाव में मंगल हो तो मानसिक चिंता के कारण, नकारात्मक सोच के कारण जातक के पेट पर, अंतड़ियों पर जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, लीवर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और पेट की लंबी बीमारियां चलती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है आपकी नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। तो नेगेटिव थिंकिंग पर भाई आपको थोड़ा सा लगाम डालनी होगी। एक बात और है, छठे भाव में मंगल हो, झगड़ा हो, हथियार वगैरह का उपयोग होना शुरू हो जाए तो वहां से निकल लें, क्योंकि छठे भाव में मंगल हो आपके किसी अंग का नुकसान करवा सकता है, इसलिए वहां से निकलने में ही भलाई है। सप्तम भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में मंगल हो तो जातक को बहुत शक्तियां देता है। या तो जातक खुद किसी अच्छे सरकारी ओहदे पर होगा, राजनीति में अच्छे पद पर होगा, या बड़े बड़े अफसरों के साथ, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ जातक का उठना बैठना होगा, जिसके कारण जातक अपने कार्य तो सिद्ध करवाएगा ही, जो उसके आसपास के लोग हैं उनके कार्य भी सिद्ध करवाएगा, जिसके कारण समाज में जातक की अच्छी प्रसिद्धि होगी। जातक जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन एक बात होगी, जो रोजमर्रा का काम काज है उसमें कोई ना कोई बंदा, चाहे सामने से या पीछे से, जातक के लिए कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करने की कोशिश करता रहेगा। कई बार तो इस तरह की स्थिति देखी है कि सप्तम भाव में मंगल हो, जातक के पास बहुत शक्तियां होती हैं, बाहर का कोई बंदा तो बोल नहीं सकता, परिवार के सदस्य बिना मतलब के, बिना किसी बड़ी बात के परिवार का माहौल खराब करते हैं, जिसके कारण जब जातक अपने कार्य क्षेत्र में काम करता है तो उसका मूड इतना अच्छा नहीं रहता। तो भाई अगर शुभ प्रभाव में हो थोड़ा सा भी, तो जो आपका जीवन साथी होगा वो आपकी तरक्की को देखकर थोड़ी जलन महसूस करेगा। उसकी ये थिंकिंग होगी कि जो मेरा जीवन साथी है जिस लेवल पर मैं हूँ उससे नीचे ही रहे, और वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा कि घर में मेरी चले, इसलिए थोड़ी आंदबन रह सकती है।
कूटनीतिक ढंग से, एडजस्टमेंट से इसको हल करना पड़ेगा। इसके अलावा जातक को सेक्स के रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए शुरू से ही अपनी सेक्सुअल लाइफ का ध्यान रखें। जब जवानी की उम्र शुरू हो तो जो गलत संगति है उससे बचना चाहिए और प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, नहीं तो कई बार ये समस्या थोड़ी गंभीर हो सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, अष्टम भाव में भाई मंगल हो। अष्टम भाव गुप्त भाव है, इसको पताल का भाव कहा गया है कि जिसका कोई अंत किसी ने देखा ही नहीं, यानी ज्योतिष में प्रडिक्शन करने में सबसे मुश्किल जिस भाव में आती है वो है अष्टम भाव। और इस कलयुग में सबसे अधिक जो भाव लाभ देता है वो भाव भी भाई अष्टम भाव है। स्ट्रॉन्ग मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक अपने जीवन में तरक्की तो बहुत हासिल करता है, मगर आसपास के लोगों के कारण जातक को तरक्की करने में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदारों के कारण, नजदीकी मित्रों के कारण बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जैसे आपके रिश्तेदारों में चाचे ताऊ वगैरह हो गए, वो भी अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से इतने खुश नहीं होंगे, लेकिन आपको अधिक टेंशन नहीं लेनी। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी के साथ ऐसा होगा, लेकिन उमूमन मंगल अष्टम भाव में हो तो इस तरह के सरकमस्टांस बन जाते हैं। आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, चाचा की ताऊ की, क्योंकि हमारे ये संस्कार है, उनसे गलत वाणी का उपयोग नहीं करना। बाकी भाई अगर वो आपके लिए गलत सोचेंगे तो खुद भुगतेंगे, अपने कर्म खराब करेंगे, आपका तो सिर्फ थोड़ा संघर्ष ही करना पड़ेगा, उसके बाद आप कामयाबी हासिल कर लोगे। इसके अलावा गुप्त रूप से जातक को फंसाने की तरकीबें रची जाएंगी। जातक भी कई बार अधिक उत्साह में आकर, अधिक जोश में आकर गलत कार्य कर बैठता है, गैर कानूनी कार्य कर बैठता है, गैर कानूनी ढंग से किसी की मदद कर देता है, बिजनेस में गैर कानूनी काम कर देता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। अष्टम मंगल वाले जातकों को अपने पास हथियार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए भाई, क्योंकि जो हथियार आपके अपने पास होगा उससे आपका अधिक नुकसान होने के चांस बनेंगे, दूसरे का कम नुकसान होने के चांस बनेंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखें। जब बुरा वक्त आएगा तो ससुराल पक्ष के लोग ही आपके काम आएंगे। अगर भाई जन्मभूमि से दूर कार्य करते हैं तो वहां किसी के साथ कोई बहसबाजी, कोई झगड़ा नहीं करना। किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको अच्छी ना लगे तो सहन शक्ति से कार्य लेना है, कूटनीति से कार्य लेना है, झगड़ा नहीं करना। इसके अलावा ऊंचाई वाली जगह पर बिल्कुल नहीं जाना और ड्राइविंग करते वक्त सावधानी बरतनी है। जैसे टू व्हीलर ड्राइव करते हो तो हेलमेट वगैरह का उपयोग करना है, फोर व्हीलर वो लें जिसमें एयर बैग्स अच्छे हो और सीट बेल्ट का हमेशा उपयोग करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, नवम भाव में भाई मंगल हो। भाग्य भाव में मंगल, धर्म के भाव में मंगल, तो स्ट्रॉन्ग मंगल जब भी नवम भाव में विराजमान हो जाता है
तो जातक को भाग्यशाली बनाता है, मगर आपके आसपास के लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके आसपास के लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं वो आपका बनता बनता कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अगर जन्मभूमि से दूर आप सेट होने की कोशिश कर रहे हो या विदेश में जाना चाहते हो, तो जब तक इस काम में आपको सफलता ना मिले तो इसका ढोल ना पीटें, इसको बिल्कुल सीक्रेट रखें, नहीं तो नवम भाव में मंगल हो तो जो आसपास के लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, जो उनकी जलन है आपके प्रति, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा अगर आपका संपर्क किसी धार्मिक व्यक्ति से है और आप उसकी बहुत इज्जत करते हो, तो मेरी बात याद रखना, वो धार्मिक व्यक्ति ऊपर से ही धार्मिक होगा, बीच में तो कुछ और ही होगा। मुंह में राम राम, बगल में शूरी, तो वह व्यक्ति आपकी तरक्की में रुकावट उत्पन्न करेगा। जीवन में जहां तक हो सके ईमानदारी से काम करे तो भाई आपका मंगल ही मंगल होगा। कई बार कुछ लोगों का इस तरह का प्रोफेशन होता है, वो कहते हैं कि सर अगर ईमानदारी से कार्य करेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे। तो अगर इस तरह का प्रोफेशन हो तो दान पुण्य में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालते रहें। भाग्य के सहारे कोई कार्य ना करें, साहस के सहारे, आत्मविश्वास के सहारे जब कार्य करोगे, एक बार गिरकर फिर खड़े होगे तो देखिए आपका भाग्य आपका कैसे साथ देता है। किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं रखनी अपने जीवन में, मेहनत से साहस से कार्य करोगे तो बड़े बड़े चमत्कार अपने आप हो जाएंगे। अगर आपके आसपास कोई धार्मिक बिल्डिंग बन रही हो, मंदिर गुरुद्वारा साहब या कोई भी धार्मिक स्थान बन रहा हो, तो वहां जाकर अपने हाथों से सेवा करें, ईंटें पकड़ा दें या ऐसा कोई कार्य कर दें, ये आपके लिए भाई बहुत अच्छा रहेगा। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव केंद्र भावों में से सबसे मजबूत भाव है और शास्त्रों में लिखा है कि जिसका मंगल दसम भाव में हो, अगर उसके कुंडली में बाकी सभी ग्रह मजबूत ना हो, कमजोर हो, तब भी अकेले मंगल के सहारे जातक अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। कुल दीपक होता है जातक दसम भाव में मंगल हो। राजा का प्रिय, अब तो राजा नहीं रहे, मतलब सरकारी अफसर या बड़े राजनीतिक लोगों के साथ अच्छी जान पहचान, अच्छी सरकारी शक्तियां रखने वाला, अमूमन खुद के पास ही अच्छी शक्तियां होती हैं, नहीं तो किसी बड़े बंदे के साथ बहुत अच्छा मेल जोल होता है, यानी कि सरकारी कोई भी काम जातक का नहीं रुकता। जीवन में हर संघर्ष को पार करते हुए जातक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। दसम भाव में मंगल हो, जब तक जातक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करता तब तक जातक को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। वो APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। तो भाई जिनके दसम भाव में मंगल हो उनके ऊपर ये पूर्ण रूप से लागू होता है। जातक का जो भी कार्य क्षेत्र हो, अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट होगा, मगर
जहाँ एक बात आ जाती है, कार्य क्षेत्र के लोग मीठी मीठी बातें कर जातक को जूझ करते हैं। जातक को पता भी होता है कि ये मुझे जूझ कर रहे हैं, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा होता है कि ना नहीं कर पाता। तो भाई थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है, अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए। आपको चाहिए कि आपके जो कार्य क्षेत्र है, जो आपकी जिम्मेवारी है, पहले उसको पूरा करें, फिर किसी दूसरे व्यक्ति का, अपने सह कर्मचारी का कार्य करें, बाद में उसका कार्य करें। इसके अलावा दशम मंगल हो तो पिता से बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जैसे पिता है आपके साथ गलत व्यवहार भी कभी कर दिया, पिता है भाई, उनका आशीर्वाद लेते रहे तो आपके लिए अच्छा होगा। संतान में अगर आपकी पहली लड़की हो तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली होगी। लड़की के जन्म के बाद घर में उन्नति का माहौल बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि लड़का भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन लड़की बहुत अधिक भाग्यशाली होगी। चुस्त, चलाक, छल, कपट, सब कुछ करना आता है आपको, तभी तो दुश्मन आपके सामने नहीं आएंगे। उनको पता है कि अगर इसके सामने चले गए तो हमारा बुरा समय शुरू हो जाएगा, तो फिर दुश्मन दोस्त के रूप में आपका नुकसान करेंगे। और एक बात का ख्याल रखना, आपकी उन्नति में जिस व्यक्ति ने आपका बहुत साथ दिया हो उसका एहसान जीवन भर नहीं भूलना। अगर आप उसका एहसान भूल जाओगे तो उसकी बददुआएं आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। उसका एहसान हमेशा याद रखना है, हमेशा उसकी मदद करनी है जिसने आपकी तरक्की में आपका साथ दिया है। इसके अलावा आपने अपनी हार्ट बीट का ध्यान रखना है। अगर हाथों में पसीना वगैरह आना शुरू हो जाए तो भाई फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी है, आपके लिए उत्तम होगी। ग्यारहवें भाव में मंगल विराजमान हो तो आमदनी अच्छी होती है। मंगल भूमि का कारक है तो जमीन की सेल परचेज, घर बनाकर बेचने, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस तरह के कामों में अधिक लाभ होता है। वैसे मंगल ही करता है ग्यारहवें भाव में, तो जो भी काम कर ले उसमें लाभ होगा, लेकिन इन कामों में आप अधिक सफलता हासिल करोगे। अगर साइड बिजनेस भी ये करना चाहो तो कर सकते हैं, मगर आपके मित्र बहुत होंगे, सर्कल बहुत बड़ा होगा, लेकिन इन मित्रों में काली भेड़े, ब्लैक शीप्स होंगी, जिसको आप पहचान नहीं पाओगे। और ये जो दुश्मन के रूप में आपके मित्र होंगे, ये आपकी आमदनी को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे और कुछ हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। थोड़ा नुकसान कर दें, उसके बाद आपको मालूम हो जाए कि ये मित्र मेरा दुश्मन है, तो उससे झगड़ा नहीं करना, उससे दूरी बना ले। जो नुकसान हो गया उसने अपने कर्म नेगेटिव कर लिए, आपका कर्जा उसकी तरफ चला गया, तो किसी ना किसी जन्म में या इसी जन्म में ही उसको आपका कर्जा वापिस करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्यारहवें भाव में मंगल हो तो जो आपकी संतान है उससे अधिक उम्मीद नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि ये मुझे पूछे, मेरी बात माने। उनको अपना जीवन जीने दीजिए, आप अपना जीवन जिए आराम से। जितनी नुक्ताचीनी अधिक करोगे उतने मतभेद बढ़ेंगे, जितना
दोस्तों जैसा व्यवहार करोगे संतान के साथ, उतने ही आपकी इज्जत मान अधिक होगा। मित्रों के साथ बैठकर शराब वगैरह ना पिए, क्योंकि जब आप कोई नशा कर लेते हो फिर आपका अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं रहता, अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रहता। डॉक्टर ने मना किया हो कि भाई ये चीज नहीं खानी, लेकिन आप वही खाओगे और अपने राज दूसरों को बताओगे, यानी आपकी जीभ चंचल हो जाएगी खाने में भी और बोलने में भी। इसलिए ग्यारहवें भाव में मंगल हो, घर बैठकर शराब पीजिए अगर पीनी है। और मैं आपके फैमिली मेंबर्स को भी कहना चाहता हूँ कि अगर इनको शराब पीने का शौक है तो घर पर कोई बवाल खड़ा मत करें कि शराब क्यों पीते हो। भाई जिसने पीनी है प्यार से समझेगा, जितना गुस्सा करोगे गुस्से में आकर बंदा दो पैग फालतू ही लगाएगा। इसलिए परिवार के सदस्य जितना कोऑपरेट करेंगे परिवार का माहौल भी उतना अच्छा रहेगा, जातक के आमदन के साधन भी उतने अच्छे रहेंगे, जातक का व्यवसाय भी उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा हार्ट बीट का ध्यान रखना है आपको, हार्ट प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बहू या दबार बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, पता चल जाता है बंदे का, वैसे भी ग्यारहवें भाव में मंगल हो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है, जातक बहुत बुद्धिमान होता है, आपको पता चल जाएगा कि इसके दिल में कुछ और है और बातें बहुत मीठी मीठी कर रही है मेरी बहू या मेरा दिमाग, तो उससे सावधान हो जाओ। मैं ये नहीं कहता कि बुरा व्यवहार करना है, उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं करनी, अधिक पैसा नहीं देना, यानी सावधानी से कार्य करना है। ग्यारहवें भाव में मंगल हो तो प्रेम संबंध विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी सलाह से आप प्रेम संबंधों में सभी काम करते हो वही आपसे दुश्मनी करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जीवन में जो आपके सबसे नजदीक का मित्र है, रिश्तेदार है, उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखें कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो भाई अब आखिरी भाव रह गया बारहवां भाव, जल्दी से उस पर भी चर्चा। बारहवें भाव में कहते हैं जी मंगल मंगलिक होता है, 1, 4, 7, 8, 12, लेकिन देखने में ये आया है कि जिस जातक की कुंडली में बारहवें भाव में मंगल विराजमान हो अच्छा फल ही मिलता है उसको, शुभ मंगल हो तो अच्छा फल ही मिलता है। एक बात कहना चाहता हूं कि जन्मभूमि से दूर जातक अधिक तरक्की करेगा और जातक को अपने जीवन में सेक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, बाहर तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके मित्र होंगे आपको हवा देकर कि आप जैसा बनता तो कोई है ही नहीं, आप तो बहुत गुणवान हो, आप तो बहुत विद्वान हो, आपसे बड़े से बड़ा कार्य करवा लेंगे। अगर किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर काम करते हो तो किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर साइन करने हैं तो दो बार उसे पढ़कर फिर आपने वहां पर सिग्नेचर करने हैं। जो बारहवां भाव है मोक्ष का भाव है, इसलिए अच्छे काम कीजिए। जब 55 साल की उम्र हो जाए बीमारों की सहायता कीजिए, बुजुर्गों की सहायता कीजिए,
जब आप ये सभी कार्य कर रहे होंगे तो आपके परिवार के लोग आपका विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? उनको पता है कि आपकी मृत्यु के बाद जो आपका धन है वो उनका हो जाएगा, तो उनको लगेगा कि ये धन का फालतू खर्च कर रहे हैं या हमारा हिस्सा किसी को दे रहे हैं। तो भाई बारहवें भाव में मंगल हो, गुप्त रूप से 55 साल की उम्र के बाद आप अच्छे काम करते रहिए, जिसके कारण आपकी गति भी अच्छी होगी, डॉक्टरों के चक्करों में से भी बचे रहेंगे, झगड़ों में से भी बचे रहेंगे, दुर्घटना बड़ी छोटी दुर्घटना में बदल जाएगी, बड़ी चोट छोटी चोट में बदल जाएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था मंगल के ऊपर कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में मंगल हो उसके अपने निकटतम व्यक्ति, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार ही जातक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।